फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपको बना के दिखाएंगे। देखिए कैसे बनेगा ये डिज़ाइन 17 फंदों का है। देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चार फंदे हमारे गैपिंग के लिए हैं, तो इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए चार फंदा उल्टा बुन गया। इसके बाद हमने चार फंदे सीधे, ये देखिए चार फंदे हमने ये उल्टे बुन लिए हैं। इसके बाद देखिए हमें चार फंदे सीधे बुनना है, हमको ये सीधा फंदा इधर से नहीं लेना है, ये हमको बैक साइड से ऐसे बुनना है। ये देखिए ऐसे, ये सभी डिज़ाइन वाले फंदे हमने ऐसे ही बुनने हैं। ये चार फंदा हमने बुन लिया, ये देखिए चार फंदा हो गया हमारा। अब उसके बाद तीन फंदा हमने एक साथ घटा देना है। ये तीन फंदा घट गया, अब एक फंदे धागा आगे करेंगे, तो इसको सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करके फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और तीन फंदा हमने घटाना है एक साथ। ये देखिए ऐसे, ये देखिए घट गया। उसके बाद चार फंदा हमने सीधा बुनना है, जो कि बैक साइड से बुनना है हमें। इसमें फंदे मुड़े हुए हैं, जिससे कि डिज़ाइन अलग लुक देता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये चार फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। बैक साइड से ये चार फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। धागा आगे करेंगे। अब ये देखिए हमें उल्टे फंदे ऐसे नहीं बुनने हैं, बैक साइड से सभी फंदों को हमने ऐसे बुनने हैं। ये देखिए ऐसे करके, सभी फंदों को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। बुन के दिखाते हैं आपको। अब ये देखिए फिर से हम सामने तरफ आ गए हैं, ये चार फंदा हमने उल्टा बुन लिया है। धागा पीछे करके हमने ये बैक साइड से इस फंदों को बुनना है। अब इस बार हम ये दो फंदे बुनेंगे। और ये देखिए हमने यहाँ पर ये घटाया हुआ है, तो ये तीन फंदों को हम एक साथ घटा देंगे। ये देखिए हमने घटा दिया। अब यहाँ पर हमारा ये बीच का जो चेन है, इसके अगल बगल में हमने फंदे बढ़ाते जाने हैं, तो इसको बुन लेंगे। धागा बढ़ाएंगे एक फंदा और इसको बुन लेंगे सीधा, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे बैक साइड से। हमने एक दो, ये तीन फंदा बीच का है, ये बीच का चेन ये चलेगा। ये तीन फंदा बुन के फिर से हमने इस वाले के अगल बगल में हमें फंदे बढ़ाने हैं। इस चेन के अगल बगल में बढ़ेगा फंदा, ये देखिए ऐसे। अब ये देखिए तीन फंदा हमारा ये जो घटा था, इस पे हमने तीन फंदे घटा देने हैं। ये देखिए घट गया। अभी दो फंदे बच गए बुनने के लिए। अभी चार फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। बैक साइड से चार फंदा सीधा बुनेंगे।
अभी इसको इन सभी फंदों को बीच वाले जिसमें डिज़ाइन हमारा बन रहा है उनको हमने ऐसे बुनना है जिससे कि फंदे हमारे घूम जाए और सब फंदे अलग अलग दिखेंगे हमारे इसमें। ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम सब सामने की सिलाई में आ गए हैं। अब यहाँ पर ये घटा हुआ फंदा है, ये फंदा है। अब यहाँ पर इसके बाद तीन फंदे ही बचे हैं, तभी तीनों फंदों को हम घटा देंगे। ये देखिए तीनों फंदा हमारा घट गया। अब इधर के फंदों को हम बुन लेंगे। ये देखिए अब इस वाले चेन में हमने फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए दोनों तरफ हमारे फंदे बढ़ गए। ये देखिए ऐसे अब इसको बुन लेंगे। ये बीच का चेन चल रहा है, देखिए इसको भी बुन लेंगे। ये देखिए अलग से हमारा ये डिज़ाइन दिख रहा है सीधे फंदों का। अब यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए हमारा ये घटाने वाला आ गया है। अब इन तीन फंदों को हम घटा लेंगे। ये देखिए अब हमारा यहाँ पे ये ख़त्म हो गया फंदा। अभी चार फंदा हमारा गैप वाला बचा है, इनको बुन लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा घटाने का सभी फंदा ख़त्म हो गया है। अब देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर फिर से हमने चार फंदे सीधे बुन लेने हैं जैसे हमने शुरू में बुना हुआ था। ये देखिए चार फंदा हमने ये बुन लिया। इसके बाद यहाँ पे अब तीन फंदा घटेगा जैसे हमने यहाँ पे बुना था। अब तीन जाली बनाना है। अभी ये तीन जाली हमने बना लिया। अब यहाँ से फिर से तीन जाली बनेगी। तब ये देखिए तीन फंदे हमने घटा लिए चार फंदा बुनने के बाद से। अब यहाँ पर ये देखिए चेन जो है बीच का, उसके ये साइड वाले में चेन में हमने जाली बनानी ऐसे शुरू करनी है। तब देखिए फिर से हम धागा यहाँ पे तीन फंदा घटाने के बाद में ये घट गया है तीन फंदा। अब धागा आगे करेंगे हम और इस वाले फंदे में हमने जाली बनानी है। ये देखिए बन गया यहाँ पर साइड में। फिर धागा आगे करेंगे, अब बीच में यहाँ पर जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और इस वाले चेन के अगल बगल में हमने जाली बनानी है। ये देखिए ऐसे फिर धागा आगे करेंगे, फिर तीन फंदा हमने घटा देना है। ये देखिए तीन फंदा हमारा घट गया। यहाँ दो फंदे बढ़ गए, यहाँ दो फंदे घट जा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद चार फंदे हमने बैक साइड से सीधा बुन लेना है। ये देखिए ऐसे बन गया। ये गैपिंग वाले चार फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारा एक दो तीन चार पाँच फंदे बचे हैं ये घटाना वाला लेके। अब यहाँ से हम दो फंदा बुन लेंगे। ये तीन फंदा हम घटाएंगे।
ये देखिए घट गया। अब इसको बुन लेंगे और इस चेन के आगे पीछे हमने फंदे बढ़ाने हैं, ये देखिए ऐसे। ये देखिए ऐसे बन गया, ये देखिए बनने लगा डिज़ाइन हमारा। धागा आगे करके यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने हैं। अब यहाँ से हम फंदे घटाएंगे, ये देखिए तीन फंदे हमने घटा लेने हैं। हम दो फंदे बुनेंगे, देखिए देखिए डिज़ाइन हमारा बनने लगा है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये तीन फंदे बचे हुए हैं। यहाँ पर ये घटाया हुआ फंदा है, अब इस पर ये तीनों फंदे अब यहाँ पे घट जाएंगे। ये देखिए तीनों फंदा हमारा आखिरी तक घट गया। उसके बाद देखिए इसको बुन लेंगे हम। अब दो जाली बन गई है, ये देखिए इसमें तीन जाली हमने बनाई थी, अब इसमें भी दो बन गई है। अब ये तीसरी जाली बनानी है ऐसे करके, ये तीसरी जाली बन गई। बाकी फंदों को हम बुन लेंगे, बैक साइड से ही बुनना है जिससे कि फंदे घूम जाए और डिज़ाइन उभर कर आए। ये देखिए ऐसे धागा आगे करके इस चेन के अगल बगल में हमने बढ़ा लेना है फंदे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनने लगा है। अब ये तीन फंदे हम घटा देंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सुंदर लगता है, किसी में भी बनाइए आप। ये देखिए अब फिर से ये तीन चेन हो गया है। अगली बार हमने इस चेन इस वाले फंदे में हमने फिर से चेन बनाना है, शुरू करना है यहाँ पे चेन बनाना। एक बार और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीन जाली बन गई है यहाँ पे, तीन यहाँ पे भी बन गई। अब फिर से हमें बनाना शुरू करना है। देखिए चार फंदे हमें बुन लेना है। ये चार फंदा बुन के यहाँ पर अब ये तीन फंदा घटाएंगे इस चेन के पास से, ध्यान करके ये तीन फंदा हमें घटा देना है। ये तीन फंदा जो चेन हमारा पहले से बन रहा था इसको घटा देंगे हम तीन फंदा। इसके बाद ये बीच का जो चेन है उसके साइड वाले चेन में हमने फंदे बढ़ाने हैं, जैसे हमने शुरू से शुरू किया था ऐसे करके। हम यही बार बार रिपीट करते जाएंगे और हमारा डिज़ाइन बनते जाएगा। ये देखिए अब तीन फंदा हम यहाँ घटा देंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन गया है। थैंक यू फ्रेंड्स आपको वीडियो देखने के लिए।